नमस्कार दोस्तों, डिजिट हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास है ऑनर का नया ऑनर 10 लाइट स्मार्टफोन। ये फ़ोन अभी भारत में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, ये फ़ोन जनवरी के मिड में लॉन्च होने की संभावना है भारत में। इसीलिए अभी हमारे पास इस फ़ोन का चाइनीज़ वेरिएंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन के बॉक्स पर इस फ़ोन का नाम चाइनीज़ में लिखा हुआ है। तो खोलते हैं इस बॉक्स को, और बॉक्स खोलते ही सबसे पहले आपको दिखेगा ऑनर 10 लाइट फ़ोन। इस प्लास्टिक कवर से हम इसको निकाल देते हैं। ये थोड़ा सा गंदा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इस फ़ोन को थोड़ी देर पहले निकाल कर ऑन करके एक बार देखा था, ताकि हम आपको इस फ़ोन के बारे में बेहतर तरीके से बता सकें। इस फ़ोन को यहाँ हम साइड पर रखते हैं, और बॉक्स के अंदर आपको मिलते हैं ये डॉक्यूमेंट्स, वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल, और ये है एक TPU केस। काफ़ी अच्छी बात है ये कि आपको एक TPU केस भी मिल रहा है, क्योंकि नोकिया 7.1 के साथ आपको एक TPU केस नहीं मिलता है, और वो एक ग्लास बैक वाला फ़ोन है। और इस बॉक्स के अंदर ये है इसका सिम इजेक्टर टूल, ये है इसका चार्जर, 10 वॉट का चार्जर है ये, और ये है इसकी चार्जिंग केबल। ये एक माइक्रो USB केबल है, USB टाइप सी केबल नहीं है ये। ये फ़ोन माइक्रो USB चार्जिंग सपोर्ट करता है। सारी चीज़ों को हम साइड पर रखते हैं और देखते हैं फ़ोन की तरफ। यह है ऑनर 10 लाइट। इस फ़ोन को मैं ऑन करता हूँ, और जब तक ये फ़ोन ऑन हो रहा है, इस फ़ोन की बैक साइड पे अगर हम नज़र डालें तो ये ग्लॉसी लाइट स्ट्रीक फिनिश आपको देखने को मिलता है। ये वैसा ही डिज़ाइन है जैसा कि हमने ऑनर के पिछले फ़ोन्स जैसे कि ऑनर व्यू 10 में देखा था। ये है इसका डुअल रेयर कैमरा सेटअप, 13 MP प्लस 2 MP का। जो 13 MP का सेंसर है उसमें f1.8 अपर्चर दिया गया है, और AI सीन रिकग्निशन जैसे फीचर्स भी आपको मिलते हैं। यहाँ पे AI कैमरा की ब्रांडिंग दी गई है। ये है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर, और ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं है इसका कैमरा। ये एक अच्छी बात है, इसका मतलब आप फ़ोन को अच्छे से आप नीचे रख सकते हैं और वो वॉबल नहीं करेगा। और वैसा ही डिज़ाइन है जैसा कि हमने पहले फ़ोन्स में देखा है, लाइट स्ट्रीक फिनिश वाला डिज़ाइन है। नीचे की तरफ एक हेडफोन जैक दिया गया है, ये रहा इसका माइक्रो USB पोर्ट, और ये रहा इसकी स्पीकर ग्रिल। यहाँ ऊपर की साइड आपको मिलता है सिम इजेक्टर सिम ट्रे, और हम आपको थोड़ी देर में इसे निकाल कर दिखाएंगे कि क्या ये एक हाइब्रिड स्लॉट है या फिर आप इसमें 2 सिम कार्ड्स और एक माइक्रो SD कार्ड एक साथ यूज़ कर सकते हैं या नहीं। फ़ोन ऑन हो चुका है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन पर जो नॉच है वो काफ़ी छोटी है। ये अच्छी बात है, इसका मतलब आपको काफ़ी स्क्रीन रियल एस्टेट मिलता है। अच्छी बात है कि बड़ी नॉच नहीं है, अदरवाइज़ स्क्रीन की रियल एस्टेट पर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है इससे। इस नॉच के अंदर एक 24 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है f2.0 अपर्चर के साथ। ये है इसका फ्रंट स्पीकर कॉल्स अटेंड करने के लिए, और जैसा कि आप देख सकते हैं आपने पहले ऑनर फ़ोन्स में भी देखा होगा, EMUI मिलता है आपको इसके साथ। EMUI OS है, EMUI 9, यानी कि आपको इसके अंदर मिलता है Android 9 Pie, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि आज अभी भी कुछ ऐसे फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं जिनमें आपको Android 8.1 मिलेगा, लेकिन इस फ़ोन में Android 9 दिया गया है। ये देखिए Android 9 Pie मिलता है आपको इस फ़ोन के अंदर। और CPU की बात करें, प्रोसेसर की बात करें, तो ये फ़ोन चलता है हाई सिलिकॉन किरन 710 प्रोसेसर पर। इस फ़ोन में 4 GB की रैम है और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें से आपको 53.88 GB फ्री मिलेगी। इस फ़ोन में जो स्क्रीन है वो है 6.2 इंचेस की, जिसका रेजोल्यूशन है 2340x1080, यानी कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है ये। अगर हम एक बार बैक जाएँ तो ये है इसका सिस्टम का मेन्यू, और यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप इस फ़ोन को जेस्चर्स की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर हम दोबारा यहाँ पे जाएं तो आप इस तरीके से जेस्चर्स की मदद से इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, इस फ़ोन को नेविगेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसे 3 की नेविगेशन पर रख देते हैं। अगर हम इसकी बाकी सेटिंग्स की तरफ देखें, यहाँ डिस्प्ले के मेन्यू में अगर हम जाएंगे और मोर डिस्प्ले सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको नॉच ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। हाइड नॉच पे अगर आप टैप करेंगे तो इसकी नॉच छुप जाएगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि नॉच को छुपाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नॉच ऑलरेडी काफ़ी छोटी है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड कर सकते हैं इस तरीके से। बैक जाते हैं हम, और यहाँ पे आप स्क्रीन रेजोल्यूशन को फुल HD प्लस या HD प्लस में चेंज कर सकते हैं। कलर मोड्स दिए गए हैं अलग अलग, नॉर्मल और विविड, और यहाँ पे इस कलर व्हील की मदद से भी आप कलर टेम्परेचर को डिसाइड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बैटरी की अगर हम बात करें तो इस फ़ोन में 3400 mAh की बैटरी दी गई है, 10 वॉट का चार्जर है, तो
मेरे ख्याल से 1.5 घंटे के आसपास इस फ़ोन को चार्ज हो जाना चाहिए, फुल चार्ज। ये फ़ोन की बैटरी कितनी देर चलेगी, कितना बैटरी लाइफ आपको मिलेगा इस फ़ोन से, ये तो हम आपको रिव्यू के बाद ही बताएंगे। फिलहाल इस फ़ोन में हम आपको, जैसा कि हमने आपको बताया कि 3400 mAh बैटरी दी गई है, स्टोरेज है 64 GB, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड के ज़रिए बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर कैमरा में हम आप जाएँ तो यहाँ पे कैमरा में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। प्रो मोड दिया है इसमें, AR लेंस का ऑप्शन है, लाइट पेंटिंग, HDR, टाइम लैप्स वगैरह आप इस फ़ोन से क्लिक कर सकते हैं। AI मोड दिया गया है, जैसा कि हमने आपको बताया AI सीन रिकग्निशन फीचर मिलता है इसमें आपको। इसमें नाइट मोड है, पोर्ट्रेट मोड है और अपर्चर मोड है, यानी कि आप बैकग्राउंड ब्लर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस फ़ोन से आप फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं 60 FPS पर। और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है EMUI में, बस ये है कि इस बार आप जेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं। EMUI 9 है, Android 9 Pie मिल रहा है, ये अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि Honor इस फ़ोन के लिए रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग, और जाने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि क्या ये स्लॉट हाइब्रिड है या फिर आप एक साथ दो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ये है इसका सिम इजेक्टर टूल, और इसको हम अगर निकाल के देखें यहाँ पर दोबारा से एक बार, हाँ तो ये देखिए, ये हाइब्रिड स्लॉट है, यानी कि आप एक बार में दो सिम कार्ड्स या फिर एक सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। डुअल 4G, डुअल VoLTE को सपोर्ट करता है ये फ़ोन, और अच्छी बात है ये। तो स्टोरेज आप बढ़ा सकते हैं, 64 GB की स्टोरेज मिलती है आपको, 4 GB की रैम है, तो फ़ोन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दैट्स इट गाइज, ये थी इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग, ये है Honor 10 Lite। जल्द ही भारत में लॉन्च होगा ये फ़ोन, ऐसा हमें पता चला है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, डिजिट हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को तो यार ज़रूर दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। डिजिट हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।